हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम दोस्तों सीखने वाले दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस के प्रमेय का सत्यापन। जी दोस्तों, हम आज प्रूव करके दोस्तों दिखाएंगे कि गॉस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है, और ये जो इसका जो फॉर्मूला होता है प्रूव करना आता है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है, आपका बोर्ड एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, इसको कंसेप्ट को जानिएगा, ठीक है? आपको जब भी एग्जाम में आता है तो 5 नंबर के सवाल आता है, ठीक है? चलिए प्रूव करते हैं मिलजुल के बहुत शानदार कंसेप्ट के साथ और सरल भाषा में, ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है? शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी सीखे तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए तो प्रश्न में क्या लिया, गॉस के प्रमेय को सिद्ध करें या सत्यापित करें। इसके पहले का जो मेरा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9, उसे मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, क्या कहता है ना, कहाँ पर लगता है। लेकिन आज हम लोग उसी चीज़ को डिराइव कर देंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है? चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या, फिगर। मैं हर बार डेरिवेशन बताता हूँ कि फिगर बनाना आपको जान जाते हैं तो आपका 75% आपका काम हो गया, क्योंकि सारा 75% कंसेप्ट आपका फिगर में ही छिपा रहता है। देखिए प्रश्न बोला गॉस को सिद्ध करें, तो मैंने क्या किया, हम सब जानते हैं गॉस का जो प्रमेय होता है वो कहाँ लगता है, एक बंद पृष्ठ के अंदर लगता है, एक क्लोज एरिया के अंदर लगता है। तो मैंने क्लोज एरिया पार लिया। अब मुझे दोस्तों निकालना है, मान लीजिए मैं यहाँ से ओ पॉइंट से एक पी पॉइंट ले लिया हूं। पी पॉइंट कहां पे? देखिए हम सब जानते हैं कि गॉस के प्रमेय में क्या होता है, विद्युत फ्लक्स गुजरता है बंद पृष्ठ से। तो मैंने तो क्या किया कि जो बड़ा पृष्ठ एस था, एस के बहुत छोटा सा भाग, बहुत छोटा सा भाग डीएस, डीएस बहुत छोटा सा भाग डीएस से क्या किया मैंने दोस्तों, ये जो मैं छोटा है ना, ये ब्लैक वाला, ये छोटा सा भाग डीएस से विद्युत फ्लक्स को गुजार दिया। पहले मैंने छोटे से भाग को गुजार रहा हूं, मुझे पता है जब बहुत सूक्ष्म क्षेत्र से भी पता चल जाएगा कि कितना गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स, तो मैं बड़ा क्षेत्र से निकाल लूंगा उसका इंटीग्रेशन करके। तो मैंने सूक्ष्म क्षेत्र डीएस से विद्युत फ्लक्स को गुजार रहा हूँ, तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बल रेखाएं होगी। तो ई वेक्टर आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दोनों बीच का एंगल आपका टी है, थीटा है। और दोस्तों ओ पॉइंट से जो पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आर है, और दोस्तों यहाँ जो एंगल बनेगा, एंगल ये डी ओमेगा होगा, है ना? हमें पढ़े ना कोणीय विस्थापन वगैरह पढ़ेंगे आप लोग, है ना? या कोणीय क्या बोल सकते हैं, ओमेगा को एक कोण के डिनोट करता है ना, तो यहाँ का ओमेगा हो गया आपका कोण के फॉर्म हो गया, और यहाँ से आर डिस्टेंस है, यहाँ का सूक्ष्म एरिया है जो ब्लैक वाला रंग हुआ। अब निकालते हैं देखिए कैसे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पी पॉइंट पे जो यहाँ पे चार्ज होगा प्लस क्यू चार्ज, इसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं कि प्लस क्यू के कारण यहाँ पे क्या तीव्रता उत्पन्न हो रहा होगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लिखूंगा यहाँ पे, ये आप समझ रहे हैं ये क्या लिखा हुआ, ये आप तो फिगर लिखा हुआ है कि माना कि एक बंद पृष्ठ एस है, पूरा है एस है, ओ बिंदु पर क्यू आवेश है, ओ बिंदु पर एस क्यू आवेश है, इस पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्र डीएस है, यहाँ मान लीजिए डीएस है ना, यहाँ डीएस कर लीजिए, मान लीजिए डीएस से पर एक बिंदु पी है, यहाँ पे एक बिंदु पी है ना, पी पॉइंट है, जहाँ बिंदु से तीव्रता ज्ञात करनी है हमको यहीं पर निकालना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और दोस्तों उसका जो डिस्टेंस है पी पॉइंट का क्या है, पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो आपका कहा है आर आर है, ओ से पी का डिस्टेंस कितना आर है, तो मैंने आर लिख दिया। अब निकाल लेते हैं क्या, हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। अब हम फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े फॉर्मूला पढ़े, मैं इसको डिराइव किया था, मैं आपको प्रूव किया था कि एक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। पढ़े फॉर्मूला, ई बराबर क्या पढ़े, वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना यहाँ से ओ से लेकर पी तक का आर, तो आर स्क्वायर कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब तुम्हारा ये तो ई निकल गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब क्या करते तुम लोग कुछ सूक्ष्म क्षेत्र जो डीएस है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जिसे पता चल जाता है तो हम पूरा निकाल लेंगे इंटीग्रेशन करके, है ना, पूरा निकाल लेंगे इंटीग्रेशन करके। बस मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या, सूक्ष्म क्षेत्र डीएस से गुजरने वाला क्या विद्युत फ्लक्स, हम लोग छोटा एरिया के लिए पहले निकाल लेते हैं और फिर मैं इंटीग्रेशन करके बड़ा एरिया के निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फाई जो डी हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, बताइए फिर लोग क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पहले सूक्ष्म के निकाल रहे हैं ना, तो डी फाई क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा डी एस कॉस थीटा। हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े भाई, देखिए क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, फाई जो ई होता है दोस्तों वो क्या होता है,
ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यहाँ से निकल जाता है ई डी एस कॉस थीटा, है ना। तो उसे तो मैं यहाँ पे रख दिया, इसको मान रख दिया पूरा, है ना। ये तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया, सॉरी सेकंड आ गया। अब दोस्तों बताइए दोस्तों आप ही लोग, ये तो दोस्तों सूक्ष्म के लिए आया, हमको पूरा एरिया से निकालना। क्या बोल रहा है कि पूरा बंद पृष्ठ से निकालना है, पूरा एस से निकालना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैं लिख सकता हूं दोनों तरफ, सॉरी पूरे बंद पृष्ठ से क्या गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो क्या था, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पे इंटीग्रेशन कर दीजिए, डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ये होता है इंटीग्रेशन का रूल, ये कहता है ना। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। चलिए अब डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई होगा। और दोस्तों चूंकि यहां पे ई है ना, तो ई का मान रख सकता हूं, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट वाला, तो ई के लिए रख दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो क्लोज होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पूरा एरिया के लिए करना है। और जब भी हम लोग इंटीग्रेशन कोई एक क्लोज एरिया के लिए करते हैं ना, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे ना हो के ऐसे हो जाता है, क्योंकि कोई क्लोज एरिया के लिए कर रहे हैं, है ना। चीज ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, फाइव कर दूंगा, और ई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वाला धर देंगे इक्वेशन फर्स्ट वाला। तो वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा डी एस कॉस थीटा। देखिए ये कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, जो जिसमें कॉन्स्टेंट है, तो क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, फोर पाई एप्सिलॉन भी कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा डी एस कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। देखिए अब बोलिए कि सर आर स्क्वायर भी तो कॉन्स्टेंट था, सिर्फ डी एस और कॉस थीटा सेम रहना चाहिए था। लेकिन तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, मुझे पता है, मैं इसको इसलिए रखा दोस्तों क्योंकि फॉर्मूला हम लोग सब पढ़े हैं, जो डी जो ओमेगा जो होता है ना, वो डी एस कॉस थीटा के बराबर होता है, पता आपको। चूंकि तो एक तरह से डी ओमेगा जो क्या करता है, कोणीय विस्थापन का काम करता है, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, डी ओमेगा जो होता बराबर डी एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। इसलिए मैं क्या किया, इसको रख दिया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, पूरा डी एस कॉस थीटा की जगह क्या मैं रखूंगा डी ओमेगा। अब दोस्तों ओमेगा का बाहर निकले इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा का जब इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या होगा ओमेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो ओमेगा का जो मान आता है ना, वो फोर पाई रखा जाता है, तो यहाँ पे फोर पाई रख सकते हैं, फाई बराबर क्यू बटा फोर पाई सेवन नॉट इंटू फोर पाई, कैंसिल हो जाएगा फोर पाई। तो आ गया हमारा आंसर, आ गया लास्ट में फाई बराबर क्या आ गया आपका, क्यू ऊपर है, नीचे क्या बचा इप्साइलर नॉट, आंसर आ गया। हमको प्रूफ क्या करना था, गॉस का प्रमेय क्या है, यही प्रमेय है ना, फाई बराबर क्यू बटा इप्साइलर नॉट, ये तो हमको प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो गया। ऐसे प्रूफ करिएगा तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इसी से प्रूफ करना, कोई बड़ा है चीज नहीं, बस आप फिगर बना लेते हैं तो बन जाएगा। यहाँ पे नया चीज एक यही आया जो आपको दिमाग में हमेशा खा रहा होगा कि भाई ये हुआ कैसे, तो हुआ ये नहीं, आपको याद कर लीजिए, इसका बहुत अंदर का कंसेप्ट लगता है ना। मैं बताऊँ इसका जो एरिया निकालते हैं हम लोग डी ओमेगा, इसका जो एरिया निकालता है ना डी एस बराबर, वो निकालता है आर स्क्वायर डी ओमेगा बटा कॉस थीटा। तो बहुत सारा अंदर का चीज, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली याद कर लीजिए, तो यहाँ पे रख दीजिए तो आपका बन जाएगा, ठीक है। ओमेगा मान याद कर लीजिए फोर पाई रखा जाता है गॉस के नियम में, आपका प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से ओवरऑल प्रूफ हो गया, है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो नोट करने के बाद आपको क्या काम है, आपको इसको प्रैक्टिस करना, दो तीन बार इसको ड्राइव करना कॉपी में, है ना, एक बार देख के फेंक अपने से, फेंक अपने से हो जाएगा। तो कैसा लगा आज क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट से, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मैं क्लास 10th 11th 12th के सारे सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन कराते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। यदि इसके पहले का पार्ट देखना है, है ना, लेक्चर नंबर 9, 8, 7, 6, 5 कुछ भी इस चैप्टर के पहले का कंसेप्ट को, टॉपिक को, तो देख सकते हैं, मेरे चैनल में डाला गया प्लेलिस्ट में, ठीक है, देख सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बंद रहेगा, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।